लपेटते रहो विद हनी बनी। हनी, एक से दस तक की गिनती करके बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अरे इनमें से 6 कहाँ है? आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कोहली ने मैच के लास्ट बॉल में 6 मार दिया। लपेटते रहो। अरे बड़े भाई, यहाँ अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं छोटे भाई। अच्छा ये बताओ, आई एम गोइंग का क्या मतलब होता है? मैं जा रहा हूँ। अरे आई एम गोइंग का मीनिंग बताना। मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे, सुबह से 20 लोगों से पूछ चुका हूँ, सब चले जाने की बात करते हैं। जब तक आई एम गोइंग का मीनिंग नहीं बताएगा मैं नहीं जाने दूंगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। लपेटते रहो। कवि की इस कविता का मतलब बताओ। खोल आँख जमीन देख, फलक देख फिजा देख, मशरिक से उभरते सूरज को देख। मतलब? सर इजी है, कवि गुड मॉर्निंग बोल रहा है। लपेटते रहो। हनी, पानी का रासायनिक यानी साइंटिफिक नाम क्या है? सर ये तो बहुत आसान है, पानी का साइंटिफिक नाम है HIJKLMNO। ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? सर आप ही ने तो कहा था पानी का साइंटिफिक नाम H2O है। लपेटते रहो। अरे यार, सोच सोच कर दिमाग का दही बड़ा हो गया है और एक भी आइडिया नहीं आया कि फूड कंपटीशन के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। ब्रो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। बता जल्दी बता। पहले आने तो दे, आइडिया पूरा नहीं आया अभी तक। लपेटते रहो। ओए, हम तो वो पोपट है जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, समझे क्या? मतलब? मतलब ये कि पोपट कोई भी चीज का सही अंदाजा लगा सकता है। अच्छा, इस पैकेट को देखकर बता सकता है इसमें क्या है? इस पैकेट को देख के मेरा अंदाजा है कि ये कोई खाने की चीज है, कोई शक? कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, सही बोला, खाने की चीज है। देखा मेरा अंदाजा? हाँ ये चप्पल है, खाएगा? ये ले, खा, ये खाना। लपेटते रहो। दुनिया का सबसे पुराना प्राणी कौन सा है? सर मैं बताऊं। हाँ हनी बताओ। दुनिया का सबसे पुराना प्राणी जेब्रा है। वो कैसे? क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना। लपेटते रहो। हनी ये बताओ कि इंग्लिश में माँ को क्या कहते हैं? सिंपल, इंग्लिश में माँ को मॉम कहते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात, एकदम सही जवाब। अब बताओ माँ की बड़ी बहन और छोटी बहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माँ की बड़ी बहन और छोटी बहन को? हाँ लेकिन इंग्लिश में। सिंपल, माँ की यानी मॉम की बड़ी बहन और छोटी बहन को इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। लपेटते रहो। तू क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो दूसरों को अपनी बात समझा नहीं सकता ना वो गधा होता है, समझा क्या? समझे क्या? तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। लपेटते रहो। हनी। यस टीचर। अगर मैं तुम्हें दो बॉल दूं और फिर तुम्हें दो बॉल दूं और फिर तुम्हें दो बॉल दूं तो टोटल तुम्हारे पास कितने बॉल होंगे? 7। अरे अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें फिर से एक बार पूछता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें दो बॉल देता हूँ, फिर दो बॉल देता हूँ, फिर दो बॉल देता हूँ, तो तुम्हारे पास टोटल कितने बॉल हुए? 7। ओहो ये गलत गिनती है हनी। चलो मैं तुमसे सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हें दो सेब देता हूँ, फिर दो सेब देता हूँ, फिर दो सेब देता हूँ, तो टोटल तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? सर 6। करेक्ट। तो अब मैं पहला सवाल फिर से पूछता हूँ। मैं तुम्हें दो बॉल देता हूँ, फिर दो बॉल देता हूँ, फिर दो बॉल देता हूँ, तो तुम्हारे पास टोटल कितने बॉल होंगे? 7। उफ, 7 कैसे होंगे हनी? क्योंकि सर घर पर मेरे पास ऑलरेडी एक बॉल है, तो टोटल 7 हुए ना।
लपेटते रहो विद हनी बनी।